अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो रेसिपी है वो ब्रेकफास्ट की रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। इसका नाम जो है वो अफ़गानी फ़तीर है, लेकिन हम इसे बकरखानी भी कहते हैं। सो अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। अब इसके इंग्रेडिएंट्स में जो है ये मैंने 2.5 कप जो है प्लेन वाइट फ्लोर लिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारे पास वार्म वाटर है 1 कप, ठीक है। ये हमारे पास 1 टीस्पून जो है यीस्ट है। सो सबसे पहले हम 1 टीस्पून यीस्ट को और वार्म वाटर को मिक्स कर लेंगे। एंड देन उसके बाद जो है ये हमारे पास सॉल्ट है जो हमारे इस हम प्लेन वाइट फ्लोर में डालेंगे। अब जो है ये हमारे सेसमी सीड्स हैं एंड देन ये हमारा अनसॉल्टेड बटर है एंड देन ये हमारा मिल्क है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारा यीस्ट जो है वो हमने डाल दिया है और अब इसके अंदर हम वार्म वाटर डालेंगे को मिक्स करेंगे। अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए रख लेंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। अब 10 मिनट्स हो गए हैं और हमारा यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो गया है। तो अब हम अपने इस वाइट फ्लावर में जो है हमारा सॉल्ट चला जाएगा, हमारा यीस्ट इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, अब हम इस यीस्ट को जो है अपने इस फ्लावर के साथ मिक्स करेंगे एंड इसकी एक अच्छी सी डो बनेगी। देखिए जी, इसकी डो जो है वो बन गई है और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे। अब इस ऑयल को हम इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। देखिए जी, ऑयल जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। ये हमने इसको कवर कर लिया है और अब हम इसको साइड पर रख देंगे फॉर अबाउट 15 मिनट्स जो है हमने पेड़े बना लिए हैं और अब इन पेड़ों को जो है हम 10 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट्स के बाद जो है हमने इसको अपने बेंच टॉप पर रख दिया है और अब हम इसको बेलन के साथ बहुत ही बिल्कुल थिन सा रोल करेंगे। देखिए जी, इसको कितना थिन रोल किया है, ये देखें। इतना ही थिन इसकी कंसिस्टेंसी होगी तो हमारा जो ये बकरखानी है बहुत मज़े की बनेगी। तो अब इस पर हमने ये अपना ये मैदा स्प्रिंकल कर लिया, इसको स्प्रेड कर लेंगे और अब जो है हम अपना बटर जो है वो इस पर स्प्रेड करेंगे। जी, हमारा बटर जो है वो इस पर स्प्रेड हो गया और अब हम बिल्कुल पतली पतली सी इसकी वो लेयर बनाएंगे एंड इसको रोल डाउन करेंगे। और अब हम इस पर हल्का सा ऑयल स्प्रेड करेंगे, जस्ट अ लिटिल बिट। ये हमारा पेड़ा बन गया इसका और अब हम दूसरा भी इसी तरह पेड़ा बनाएंगे। देखिए जी, हमने पेड़े बना लिए, हम इनको 5 मिनट्स का रेस्ट देंगे एंड देन हम इनको अपने ओवन में रखेंगे। अच्छा जी, अब देखिए इसको हाथ के साथ ही हम प्रेस डाउन करेंगे और स्प्रेड कर लेंगे। जी, हमने इसको स्प्रेड कर लिया है और अब फोर्क के साथ इसमें हम इस तरह हल्के हल्के मार्क्स देंगे। इस मिल्क को हम ऑल द वे इसके ऊपर स्प्रेड आउट कर लेंगे। जो है हल्का सा स्प्रिंकल कर लेंगे हम सेसमी सीड्स। हमारा ओवन जो है वो मैंने प्री हीट किया हुआ था 480 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और हम इसको 10 to 15 मिनट्स तक पकाएंगे। और अगर आप ओवन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको पैन में भी लो स्टोव पर 10 to 15 मिनट्स तक पका सकते हैं कवर करके। देखिए जी, हमारी बकरखानी जो है वो रेडी हो रही है ओवन में। जी, हमारी बकरखानी की फाइनल लुक ये रेडी हो गई है और आप चेक करिए कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए आपको इसकी लेयर्स भी नज़र आ रही होंगी। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें ब्रेकफास्ट में, बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी बनती है। So if you really like this recipe, please don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. Till then, take care. Allah Hafiz.